गोबिंद सिंह जी के बंदी छोड़ दिवस के बाद आज निहंगों ने गुरुद्वारा बुर्ज काली बाबा फूला सिंह से विशाल नगर कीर्तन आयोजित किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन गुरुद्वारा बुर्ज काली बाबा फूला सिंह से बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा से होते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में से निकालने के बाद वापस गुरुद्वारा बाबा फूला सिंह के मैदान में लौटा है। उन्होंने साथ ही बताया कि इस नगर कीर्तन में घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और गटके के जौहर दिखाए गए। इससे बढ़िया प्रदर्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा और मतलब इनको जब देखते हैं कि इनको कोई डर ही नहीं है, इतनी निडरता से करते, तो हमको वो महसूस होता है कि जंग में हमारे गुरुओं ने और उनकी फौज ने किस तरह से लड़ाई करी होगी। ये मोहल्ला मैंने पहली बार ऐसा देखा है, कभी पहले देखा नहीं है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जितनी भक्ति जरूरी है उतनी ही शक्ति भी जरूरी है। तो आप आगे से आएंगे यहाँ पर, ये मोहल्ला देखेंगे? जरूर आएंगे। ते स्टेडियम दे विच आके सिंघां ने जंगजू करतब दिखाए ने, दो घोड़िया की सवारी, तीन चार चार पाँच पाँच घोड़िया से सिंघा ने खड़े होके लम्मे पै के जंगजू करतब दिखाए ने। मैं देश उदेश दिया समूह गुरु नानक नामदेव संगतान मीडिया के राही सारू बहुत बहुत बधाई दिना। समुचिया नहंग संघ जथेबंदियों वालों श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवा तख्त वालों बहुत बहुत बधाई दिना। ना ही बेनती करता, यह साड़ी पुरातन मर्यादा है नहंग संघा की, तो मैं बेनती करता जिन्हों गुरसिखा ने खंडे बाटे का अमृत नहीं छकया, वो खंडे बाटे का अमृत छक के त्यार पर त्यार बाणी बाणे के धारनी।